फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता की नटखट दुनिया में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज 4 बज गए हैं और बेबी को सुला लिया है मैंने। मैं भी थोड़ा सा ऐसे रेस्ट कर रही थी, तो उसका ना तबीयत बहुत ही ख़राब था। 2-4 दिनों से ना कुछ खाती ही नहीं थी, कुछ पीती भी नहीं थी। पीती मतलब ऐसे दूध या जूस, कुछ भी दो, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना भी नहीं है। 2-4 दिन से मतलब जैसे लग रहा था सर दर्द, मैं भी अच्छे से सो नहीं पा रही थी। उसके वजह से रात को 10 मिनट में 20 मिनट पे ऐसे उठ जाती थी और बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही अच्छे से 2-4 दिनों से नहीं सोए हैं। तो कल क्या किए कि डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखा दिए अच्छे से। मैं तो मतलब ऐसे हो गई थी ना, तो डॉक्टर को बोलने वाली थी ऐसे कि उसका सर से पैर तक सब देख लीजिए किस में क्या अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए प्लीज, मैं और संभाल नहीं सकती। सो डॉक्टर के पास लेकर गए और दिखाए तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए और भूख दिखाने के लिए ऐसे सब मेडिसिन दिए हैं। तो कल फाइनली जाकर अच्छे से, अभी तक अच्छे से नहीं खा रही है और कल से थोड़ा सो रही है। अभी भी सुला दिया है तो सो रही है, नहीं तो 5-10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा सोती थी और नहीं सोती थी बिल्कुल भी। बहुत परेशान हो गई थी मैं भी, क्या करूँ उसे, कैसे खिलाऊँ, कैसे सुलाऊँ, रात में या दिन में। इसलिए वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रही थी फ्रेंड्स। अभी बनाऊंगी, डेली उसका तबीयत में सुधार आ रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं क्या दिखाऊंगी आप लोगों को, चलिए। आज बहुत अच्छा मौसम है तो कुछ भुजिए जैसे होते हैं ना, वो बनाऊंगी सोच रही हूँ मौसम के हिसाब से। तो अभी घर में कोई भी नहीं है, कौन कौन खाएंगे, कौन क्या करेंगे पता नहीं, सब बाहर गए हैं। इस मौसम में धान का सीजन जो होता है तो सब लगे पड़े होते हैं और सब बाहर गए हैं, कोई भी नहीं है घर पर। बेबी भी सो रही है। और पहले ये साफ कर लेती हूँ क्या क्या है। देखिए, सोफे पर चढ़ती है तो ये सब खराब कर देती है। कौन क्या कहाँ पर क्या पड़ा है देखिए, कुछ पता नहीं चलता। पहले ये सुधार लूँ। आज तो काम वाली भी नहीं आई है, वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए ना वहाँ पर जाती है। और आएगी तो बोल रही थी, क्या करेगी पता नहीं। तो खाकर सब ऐसे ही छोड़ दिए हैं, कुछ साफ बाफ नहीं किए। आएगी या नहीं तो देखते हैं, थोड़ा उसके बाद ही साफ कर लूँगी, नहीं तो सब घर भी साफ नहीं किया है अभी तक। पहले ये साफ कर लूँ, उसके बाद भुजिए तलेंगे। हमारे यहाँ उड़िया पर तो हम पकौड़ी कहते हैं, पकौड़ी, भुजिए, भुजिया। तो मेरे स्टाइल में मैं कैसे करके करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेबी भी अब ऐसे नमक डालने वाली चीज़ें थोड़ा थोड़ा खाने लगी है, तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। उसको जो सेरलैक्स या बिस्किट थोड़ा थोड़ा खिलाती थी, 5-7 डेज हो गया कुछ भी नहीं खा रही है। इसलिए परेशान होकर कितना कुछ इनको बोलकर मंगवाया है, तो थोड़ा दिखा देती हूँ। आप लोग भी, आप क्या कर रहे हो ये ऐसे बोलेंगे, लेकिन क्या करूँ। और चलिए दिखाती हूँ क्या
मंगवाया है मैंने उसके लिए, वो सो रही है। कि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ना बेबी खाएगी ये सोचकर मैंने मंगवाया है। चिप्स भी थोड़ा खाने लगी है, तो यहाँ पर सब चिप्स है, मैगी भी बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा, नमकीन वाला सब है। और इसमें है केक है, अलग अलग टाइप का केक है सब, देखिए। मैं सोच रही थी कि पाली जी उसको खिलाती हूँ तो वो थोड़ा मीठा होता है, इसलिए कुछ नमकीन वाला भी ला दें, इसलिए वो ये रिम लाइट लेकर आए हैं। और देखिए बहुत टाइप का केक है, देखिए फ्रेंड्स सब गंदा पड़ा है, यहाँ पर है। तो मैं बेबी के लिए दूध थोड़ा उबाल लेती हूँ, और उसके बाद मेरे लिए थोड़ा सा चाय बना लूँगी, उसके बाद भुजिए तलेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए भुजिए बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं दिखा देती हूँ। मैंने लिया है कुछ प्याज यानी कि ऑनियन, कैबेज है, ये अलग टाइप का एक बनाऊंगी आज, ये हरी मिर्च, ये थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा जीरा देंगे, और ये है धनिया का पत्ता। तो चलिए ये पहले काट लेते हैं, उसके बाद बनाऊंगी। तो मोबाइल को यहाँ पर रख देते हैं, जल्दी से काट लेते हैं। कैसे काट रहे हूँ वो भी देखिए, हमको लंबा लंबा काटना है, देखिए। ऐसे लंबा लंबा चाहिए हमको, तभी बाइंडिंग होकर अच्छे से हो पाएगा। वॉइस थोड़ा सा स्लो अगर आप लोगों को सुनाई दे तो एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। बेबी रो रही है, चलिए चलिए जाते हैं। बेबी उठ गई थी, उसके दादी के पास है अभी, तो मैंने कैबेज थोड़ा काट लिया है, ये साइड में रख देती हूँ। ज़्यादा चाहिए हमें ऑनियन यानी कि प्याज, पहले छील लेती हूँ। सो फ्रेंड्स ऐसे अगर दिखाती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो काट कर उसके बाद कैसे क्या करती हूँ वो दिखाती हूँ आप लोग को, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने सब काट लिया है अच्छे से, देखिए ये कैबेज है, ये ऑनियन है, और हरी मिर्च मैंने चॉप करके भी रखा है, अदरक का लच्छा है, ये धनिया पत्ता है, और कुछ हरी मिर्च को मैंने ऐसे काट कर बीच में रख दिया है। पकोड़े जब तलेंगे उसमें डाल देंगे, अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हरी मिर्च पकोड़े के साथ खाने के लिए चाहते हैं ना, इसलिए ये मेरे हाथ पर है। थोड़ा सा जीरा इस पर डाल देंगे, ये सब इसमें डाल देते हैं, हरी मिर्च कटा हुआ को छोड़कर, और उसके बाद बेसन डालकर करेंगे। प्याज जब डालें तो देखिए ये ऐसा होता है, तो इसको ऐसे करके डाल दीजिएगा, तभी अलग अलग हो जाएंगे सब और अच्छे से पकड़ पाएंगे।
एक बार मेरे स्टाइल में भी पकोड़े बनाकर घर में खा लीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर बता लीजिए। धनिया पत्ता, हमें धनिया पत्ता बाहर से लाने को नहीं पड़ रहा है और हमारे खेत में बहुत है। जिसको चाहिए तो बोल देना, भेज दूंगी। ऐसा होना चाहिए। इसमें डालेंगे नमक, हिसाब से बना रहे हैं फ्रेंड्स उस हिसाब से दीजिएगा, नहीं तो ज्यादा या कम हो सकता है। आप चाहें तो थोड़ा सा, बस इतना ही हल्दी डाल दूंगी। बहुत अच्छा कलर आता है इसलिए अच्छे से सबको मिला दूंगी, मसल मसल कर, तभी तो ज्यादा टेस्ट आएगा। जैसे प्याज का पानी छूट जाए नमक के साथ साथ, तभी देखिए ऐसा हो जाएगा। अभी डालते हैं बेसन। इसमें फ्रेंड्स प्याज का पानी जो होता है निकल जाता है, वही पानी से हो जाता है और पानी मिलाना नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी देने से चलता है। आप चाहें तो इसे प्याज का पकौड़ा भी बोल सकते हैं। और थोड़ा सा बेसन ऐड करती हूँ मैं। देखिए ऐसा होना चाहिए टेक्सचर, दिखने में ऐसे दिखने में कैसा सुंदर दिख रहा है। देखिए खाने में जब तल कर खाएंगे कितना मज़ा आएगा। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद ही तलेंगे। तब तक मैं तेल गरम कर लेती हूँ। ये जो तेल का नीचे बैठा हुआ है वो ये ऑलरेडी यूज किया गया है, पिठा बनाए थे इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो घर में तो हर रोज़ तलने के लिए कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए चलिए तलने के वक्त दिखाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा ऑयल हीट हो गया है, तो अभी कैसे करके करते हैं वो दिखाती हूँ। इसको ऐसे करके पकोड़े के जैसे करना नहीं है, इसको ऐसे ऐसे करके भुजिया जैसा करना है। तो ऐसे पकाएंगे हम। ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे देंगे। तो सब करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये रेस्ट बच गया है तो अलग से इसको करेंगे। अभी देखिए ये हो रहा है, तो इसमें जो हरी मिर्च काट कर रखे थे हम वो ऐड कर देंगे। मेरा हाथ तो गंदा है, मैं धो लेती हूँ उसके बाद। ऐसे करने से थोड़ा सा अगर नेल होता है फ्रेंड्स, नेल में सब घुस जाता है, तो मैं तो हर वक्त साफ करके ही रखती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। नहीं तो देखिए साफ हो गया सब। आज मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स भजिए तो हो रहा है, देखिए चाय थोड़ा सा बना लेंगे और सॉस तो है ही, काम वाली आएगी या नहीं पता नहीं, नहीं तो करना पड़ेगा सब, घर का काम है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेबी उठकर खेलने के लिए दादी के साथ गई है, वो क्या खाएगी, दूध गर्म कर लिया है मैंने, दूध भी नहीं पी रही है अब। ट्राई करूँगी, छोड़ूंगी नहीं, लेकिन कुछ तो खिलाऊंगी, केक है, बिस्किट है दूध के साथ और जो कुछ भी। तो भजिए तल लेती हूँ उसके बाद खिलाऊंगी उसे कुछ। भजिए मैंने पलट लिए हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है और इस तरफ हो रहा है अदरक वाली चाय, काम वाली ने धोखा दे दिया, काम वाली शायद नहीं आएगी, 5 बज गया है ऑलरेडी, धो लेती हूँ सब। मैं धो देती हूँ सब, क्या करें हम। हमारा देखिए हो चुका है और अदरक वाली चाय भी रेडी है, तो इसको निकाल लेते हैं। मैंने एक टिश्यू रेडी कर लिया है ऑलरेडी, देखिए कैसा दिख रहा है, तो खाने में तो ज़रूरी टेस्टी ही होगा। देखिए फ्रेंड्स है ना एकदम क्रिस्पी टाइप का, और इस मौसम में ना इसको खाने की मज़े ही कुछ और है। देखिए तो चलिए इसको खाकर इसका आनंद लेते हैं, पहले बीबी को बिस्किट खिला दूं उसके बाद आनंद लूंगी। बेबी उठकर घूमने गई थी, उसके बाद खा कर रेडी हो गई है ना बेटा। कहाँ घूमने जाना है? पापा के पास। पापा आ जाओ, हेलो पापा कर दो तो। हेलो पापा, हेलो पापा करो, हेलो पापा। हेलो पापा बोलने से एक कान पर हाथ रखती है और ऐसे करके पापा बोलती है, ऐसे हेलो पापा बोल दो तो। गेलू ओली ओ आप, गोलू गोलू कहाँ घूमने जाना है आपको? मामा ने 2-4 दिन ऐसे कर दिया ना, इतना गुस्सा आ रहा था आपको ना।
कहीं जाकर फेंक दूं ऐसे लग रहा था। अभी तो गुड़ गाल हो गई है मिली बच्ची। कितने गेलू हो रही है देखो। मम्मा आंची मम्मा आप किसके पास हो बोल दो, किसके पास हो बोल दो। मम्मा मम्मा हेलो पापा कर दो थोड़ा, फ्रेंड्स देखेंगे हेलो पापा कैसे करते हो। हेलो पापा, पापा ने आप पापा ने हेलो पापा कर दो थोड़ा। हेलो पापा आवा दे दो एक आवा आवा और एक बार और एक बार। हेलो पापा कहाँ हैं आप। हेलो पापा बाय कर दो, बाय बाय कर दो तो बोलो बाय बाय। आओ बोलो आओ आओ आ आ आ बोल दो आ आ। हेलो पापा कर दो जल्दी से। हेलो पापा आ जाओ जल्दी से। तो बाद में खाऊंगी, इसको थोड़ा घुमा लेती हूँ बाहर, मौसम भी अच्छा है ना, घूम लेगी तो इसको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो इसके दादी के साथ भेज दूंगी और मैं पकौड़े खाऊंगी। फ्रेंड्स कामवाली ने तो धोखा दे दिया है, सब बासन पड़ा हुआ था और घर भी गंदा पड़ा हुआ था। अभी साफ करके आ रही हूँ मैं इसको पकड़ के। हम लोगों का इतना काम, उसके बीच वीडियो बनाओ बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आप लोग अगर देखें अच्छा अच्छा कमेंट्स दें या लाइक शेयर करें तभी अच्छा लगता है, नहीं तो और थोड़ा मन उदास हो जाता है। तो हम लोग इतना टाइम बाहर करके आप लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा एक लाइक कमेंट या सब्सक्राइब कर लीजिए तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, है ना बेटा। दे 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 बोल दो मामा को सब्सक्राइब करो और जल्दी से मामा का चैनल हिट कर दो, बोलो दे 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 दे। बेबी का 6 5 5 कंप्लीट होकर निकल चुका है टीथ और एक निकल रहा है। टूथ थोड़ा दिखा दो तो, टीथ थोड़ा दिखा दो, आ करके आ आ करो आ आ। बेबी को चाइनीज बना देते हैं। आउ, 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 आउ। गोलू मामा गोलू मामा गोलू मामा शैतान बच्ची जाओ खेलो। पंप पंप थोड़ा ला दो तो बेटा, पंप पंप ला दो थोड़ा, दो बनाना बनाना है ला दो थोड़ा। थैंक यू बोलूँगी जो भी पड़ा रहता है, अगर आपको चाहिए तो बेबी थोड़ा ला दो, थैंक यू बोलूँगी, बोलने से ला देते हैं नहीं तो नहीं ला देते। थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू दो, थैंक यू बेबी। मामा आबू करी, आबू आबू मामा करी, आबू मामा जहाँ पर भी चली जाती है मामू मामा आबू करी आजा बोलने से चली आती है और ऐसे करती है ना गोलू। आपका तो हेयर खराब हो गया बाल। आप कितने प्यार करती हो मामा से, इतना या इतना या इतना, कितना प्यार करते हो आप मामा से, कितना प्यार करते हो थोड़ा बोल दो। हाँ कितना प्यार करती हो मामा से, बहुत सारा ना, बहुत सारा। हाँ इतना ज़्यादा प्यार करती है तो बेबी, है ना बेटा। छीची छीची आउच नो।
मौसम थोड़ा दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा, अच्छा है। काम करने के लोगों को लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, घर बैठे हुए लोगों के लिए। देखिए ठंडा ठंडा, सर्दी के दिन में ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडा ऐसे कुछ अलग ही लग रहा है। इसमें भी देखिए फ्लावर आने वाला है, सर्दी का मौसम तो आ गया है, अभी सब फ्लावर होने लगेगा अच्छा अच्छा वाला। मैं नहीं जा पा रही हूँ इसलिए कुछ भी फ्लावर न्यू वाला नहीं लेकर आ पा रही हूँ। कुछ कुछ लगाई थी, वो हो रहा है। चलो आप दादी के साथ घूम लेना, ठीक है, मैं कुछ अलग काम कर लूँगी। आपका ड्रेस भी सब बिखरा हुआ पड़ा है। ये कौन है, ये कौन है? मम्मा है, मम्मा है, हाँ मम्मा है। पप 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 पप। सो फ्रेंड्स, हम लोग भुजिया लेकर आ गए हैं, बेबी और मैं दोनों खाएंगे। देखिए कैसे खाने के लिए कितनी उतावली हो रही है। उसका चीज तो वो खाती नहीं है और दूसरों का चीज खाती हो आप? खाती बच्ची, लो खा लो। अरे मैं खिला देती हूँ, रुक। मिर्ची है बेटा, जब मिर्ची लगेगा ना तब जानोगे आप। उसका चीज कुछ भी खिला दो, इतना दिखाई में कुछ नहीं खा रही है। हम बड़े जो जो खाते हैं वो खाने के लिए जिद करते हैं। रुक, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग भी जरूर बनाकर घर पे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, है ना बेटा? बाबा। सो फ्रेंड्स, जल्दी है आएगा नेक्स्ट व्लॉग, जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं भुजिए खत्म कर लेती हूँ और जल्दी नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी इंटरेस्टिंग वाला सब, कहाँ बाहर जाएंगे। अभी तो न्यू ईयर आने वाला है, पिकनिक करने जाएंगे, बहुत एंजॉयमेंट होगा। हाँ हाँ, रुक रुक देती हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, डेली डेली न्यू व्लॉग डालते रहूंगी, आप लोग देखकर एंजॉय कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा, पास में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो हर दिन देखना है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? बाय फ्रेंड, बाय कर दो, बाय बाय, जल्दी से बाय बाय।